नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग 5 मिनट के अंदर 20 महत्वपूर्ण संगीत के ग्रंथ और उनके ग्रंथकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं 20 महत्वपूर्ण राग ग्रंथ और उनके ग्रंथकार। ठीक है, चलिए देर न करते हुए देखते हैं नाट्यशास्त्र। ठीक है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा भाई? ये भरत मुनि ने लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग बहुत सारी चीज़ें जान गए हैं। यहाँ पे संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सारंगदेव। कौन है? सारंगदेव। ठीक है, भरतभाष्य, भरतभाष्य जो है नानदेव ने रचना की है। संगीत मकरंद, ये नारद की रचना है। संगीत राज, महाराज कुंभा। संगीत सुधाकर, ये है सिंह भोपाल। ठीक है, बृहदेशी, बृहदेशी किनका है? मतंग मुनि। ठीक है, ये मतंग मुनि का बृहदेशी है। यहाँ पे दतिलम जो है सीधे दतिल मुनि से संबंधित है। हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, ये जो है हृदय नारायण से संबंधित है। स्वर मेल कलानिधि, ये रामामाते, ठीक है, रामामाते ने लिखा है। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं संगीत के, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हीं से प्रश्न आते आते हैं। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र के बारे में, संगीत रत्नाकर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमेशा ये पूछ जाता है कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, संगीत रचनाकर किसकी रचना है। ठीक है, यहाँ पे बृहदेशी पूछ देता है, स्वर मिल कला निधि पूछ देता है, इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। तो ये जो मैं 20-21 ग्रंथ के बारे में जो बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे राग तत्व विबोध, ये किनका है? ये श्रीनिवास का है। ठीक है, ये श्रीनिवास का है। राग विबोध, यहाँ पर राग विबोध आ गया। ठीक है, ये पंडित सोमनाथ का है। ठीक है ना, पंडित सोमनाथ का। ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा रहेगा। ठीक है, संगीत परिजात, ये पंडित आहुबल द्वारा रचित है संगीत परिजात। राग तरंगड़ी, कवि लोचन, ठीक है, मिथिला विहार से संबंधित। सदरांग चंद्रोदय, श्री पुंडरिक विठल। रागमाला भी पुंडरिक विठल का ही है। ठीक है, यहाँ चतुर्दंड प्रकाशिका, ये भी पूछ देता है। ये तो ये पंडित वेंकट मुखी जी के द्वारा लिखा गया है। रस कौमदी श्रीकंठ, ये भी कई बार पूछा गया है। अभिनव राग मंजरी, ये भी आया था पंडित भातखंडे जी के द्वारा। प्रणव भारती, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है, और एक है गीत गोविंद। ठीक है, ये है आपका गीत गोविंद जो जयदेव को द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने कम समय में, 5 मिनट में ही आप लोगों ने 20-21 संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में जाने। ठीक है, इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ ग्रंथ और ग्रंथकारों से संबंधित। ठीक है, ये था कम समय में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।